एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। बुंदेलखंड के हिस्से की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखा, चलिए शुरू करते हैं। महोबा में विस्फोटक कारोबारी ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विस्फोटक व्यापारी ने पाटीदार मामले में पुलिस पर गवाही बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया और साथ साथ पुलिस पर लूट का फर्जी मुकदमा लिखने का भी आरोप व्यापारी की तरफ से लगाया गया। हमीरपुर में शराब के नशे में युवक ने बीच सड़क में उत्पात मचाया। इस दौरान उसकी मारपीट एक बाइक सवार के साथ भी हो गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया और इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जालौन में एक ट्रक अचानक डिवाइडर से टकरा गया, इस वजह से पुलिस की गाड़ी भी पलट गई। इस हादसे में एक दरोगा समेत दो सिपाही जख्मी हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। चित्रकूट में किसानों ने कृषि कानून का थाली बजाकर विरोध किया। किसानों ने कहा कि सरकार कृषि कानून बनाकर किसानों के खिलाफ साजिश कर रही है और इस कानून से किसान बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। किसानों ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार इस कानून को वापस। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली बजाई। यहां पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बांदा में छात्रों ने अनोखी पहल की। छात्र छात्राओं ने यहां पर रैली निकालकर लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक किया। बच्चों ने पूरे गांव में तख्ती बैनर लेकर नशे और जुए के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।